नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वर्डप्रेस की सीरीज, और आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला। बहुत लोगों ने कमेंट किया इसमें कि आप लोग इस सीरीज़ का वेट कर रहे थे। तो मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने वो कोर्स कंटेंट वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें बताया था मैंने कि क्या क्या कोर्स क्या कॉन्टेंट रहेगा इस पूरी सीरीज के अंदर, तो आप वीडियो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक के अंदर भी मिल जाएगा, या फिर आप जस्ट मेरे जो चैनल है वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा, लर्न वर्डप्रेस 2021। ठीक है, इसमें मैंने बता रखा है पूरा कंप्लीट कि हम इस सीरीज में क्या क्या करेंगे। तो अगर आपके पास में टाइम नहीं है अभी तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ और मैं इसको बहुत तसल्ली से करवाने वाला हूँ, तो आप भी तसल्ली से सीखिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रोक के इसको स्किप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके छोड़ दीजिए, बाद में जब भी टाइम मिले आप इसको कंप्लीट देखना। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, वो बात करते हैं सबसे पहले। जैसे हमने कहा था कि करंट मार्केट ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट्स, व्हाट इज CMS, हाउ मेनी CMS अवेलेबल मार्केट एंड व्हाई वी यूज वर्डप्रेस हियर, इतना सारा का सारा जो चीज़ है वो हम आज की क्लास में कवर करेंगे। साथ ही आपको मैं कुछ वेबसाइट्स के एग्जांपल बताऊंगा जो वर्ल्ड वाइड फेमस है वर्डप्रेस के अंदर, कुछ वेबसाइट्स के एग्जांपल बताऊंगा जो 5 पेजेस वेबसाइट्स होती है उनकी क्या कॉस्टिंग किस हिसाब से होती है, जो थोड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं वो किस हिसाब से होती है, कुछ वेबसाइट्स मेरे द्वारा बनाई हुई वो भी दिखाऊंगा, और कुछ वर्ल्ड की टॉप वेबसाइट्स है जो वर्डप्रेस को यूज करती है, सब बताऊंगा मैं आपको, तो वीडियो में बने रहिए। लेकिन सबसे पहले बात हम करते हैं हमारे कोर्स कंटेंट की, तो उसके लिए हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पर। और देखो, ये चीज़ें ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आज का हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले आज के टॉपिक के अंदर हम कवर करना चाहेंगे वो है करंट मार्केट ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट, थोड़ा सा नॉलेज के। वैसे देखो ये सब चीज़ गूगल पे है, आप वहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन अक्सर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो हम आपको जितनी चीज़ें आपके ज़रूरी है उतना हम बताना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कि मार्केट में वेबसाइट्स कितनी है, कहीं पर आपको ये फिगर मिलेगा 200 करोड़, कहीं मिलेगा 150 करोड़, कहीं मिलेगा 160 करोड़, लेकिन मैंने जब टैली किया मेरे खुद को भी इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी वेबसाइट बन चुकी है, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम सर्च किया था लगभग 90 करोड़ के आसपास वेबसाइट्स बता रहा था, लेकिन अभी इतने सालों में करीबन ये दिखा रहा है 150 करोड़ 1.5 बिलियन वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड है। लेकिन दोस्तों उसमें से ओनली 40 से 50 करोड़ वेबसाइट्स ही एक्टिव है, बाकी एक्टिव नहीं है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास मार्केट कितना बड़ा है। और आपको बताऊं मैं कि ये जो फिगर है जो आपको बता रहा हूं मैं 90 करोड़ का, ये जो फिगर है मेरे को पिछले कुछ सालों में ही मैंने फिगर चेक किया था, आई थिंक 5-1 साल भी होंगे लगभग उस बात को जब मैंने फिगर सर्च किया था, तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और इतने टाइम में ये डेटा इतना बढ़ चुका है और इसकी कोई लिमिट नहीं है, धीमे धीमे ये आगे बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात कि अब मार्केट अपने लिए मार्केट क्या है, कॉस्ट, किसी कॉस्ट के अपने को कितना अर्न कर सकते हैं इससे, या हमें कितना पे करना चाहिए। तो हम ये जो पूरे सीरीज सीख रहे हैं वो सीरीज सीख रहे हैं हम कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इससे लर्निंग होगी आपकी अच्छी, लेकिन अगर आप इससे कुछ अर्न करना चाहते हो तो उसका भी मैं आपको हिसाब किताब बता देता हूँ। 1 पेज की स्टैटिक वेबसाइट इज कॉस्ट नियर 3,000 रुपीज इंडिया, मतलब आप एक सिंगल पेज है आपका, उसके अलावा कुछ नहीं है वेबसाइट में, तो वो लगभग 3,000 रुपये की आपके पास उसकी कॉस्टिंग पड़ती है इंडिया में। किसी भी जगह से बनाओगे तो लगभग 2,000-3,000, 3,500 के आसपास आपको उसके पैसे मिलते हैं या आपको उसके पैसे चुकाने पड़ते हैं। क्लियर। दूसरी बात, एक 5 पेज की वेबसाइट है, 5 पेज की वेबसाइट जैसे कि इसमें होगा होम, अबाउट अस, उसमें उसकी गैलरी होगी, कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, ये सब होगा, वो करीबन कितना पड़ेगा, 5 से 10 हज़ार के बीच में। नॉर्मली मैं चार्ज करता हूँ, देखो 6,000 रुपीज़ के आसपास चार्ज करता हूँ किसी भी स्टैटिक 5 पेज की वेबसाइट बनवाने का। सॉरी, तो 5 से 10 हज़ार रुपये का चार्ज आपको लगता है, इससे 5 से 10 हज़ार के अंदर आपकी थोड़ी सी वेबसाइट की डिजाइनिंग में फ़र्क पड़ता है, तो ये रेशियो जो है कभी 8 होता है, कभी 9 होता है, कभी 10 होता है, इसके ऊपर नहीं जाता। तो 10 हज़ार से ऊपर थोड़ी और अच्छी वेबसाइट्स होती है तो यही फिगर है जो 20 के आसपास रहता है, 20,000 या फिर 30,000, बस इससे ऊपर मेरे हिसाब से ना तो क्लाइंट समय पे करते हैं और ना ही इतना उसका वैल्यू फॉर मनी रहती है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं 5 पेजेस की डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट कौन सी होती है, स्टैटिक वेबसाइट कौन सी है, इसके बारे में फ़र्क हम आगे देखेंगे, लेकिन एक छोटा सा बता देता हूँ कि जब हम किसी वेबसाइट के अंदर इंटरेक्शन नहीं कर सकते, मतलब उसके अंदर हम अपना खुद का डेटा डाल नहीं सकते, वहाँ से कोई डेटा ले नहीं सकते, तो वो सिंपल वेबसाइट कहलाती है, उसे बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। लेकिन जब कोई वेबसाइट्स के हम अपना खुद का लॉगिन करके या डेटा उसमें एंटर कर सकते हैं, वहाँ से कुछ डेटा ले भी सकते हैं, उसे बोलते हैं डायनामिक वेबसाइट। सिंपल एग्जाम्पल बताऊँ, आपके घर के पास में कोई होटल है, उसके आपके सिर्फ होटल के कुछ फोटोज वगैरह उस वेबसाइट के अंदर है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक वेबसाइट। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप पढ़ रहे हो,
और वहाँ पे आप अपने रोल नंबर चेक करते हो, रोल नंबर एंटर करते हो, आपका डेटा आपके सामने आता है, आप फीस सबमिट करते हो, वो सिर्फ क्या कहलाएगी, डायनेमिक वेबसाइट। तो सीधी सी बात है, डायनेमिक वेबसाइट थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, इसलिए कॉस्टिंग देखो 15,000 से स्टार्ट होकर ये 20,000 के आसपास में इसकी कॉस्टिंग पड़ती है। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ 5 पेज की। तो अगर आप बात करते से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होगी जिसमें लगभग लगभग 70 के आसपास पेजेस होते हैं, 60-70 के पेज, तो अगर वो वेबसाइट बनानी हो तो वो आफ्टर लगभग 1 से लेकर 2 लाख के बीच में उसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है उसका अमाउंट कितना होता है। तो डायनेमिक वेबसाइट्स में आपको टाइम ज़्यादा मिलता है और आपको क्या कहते हैं देर तक आपको काम करना पड़ता है और आपको एक टीम वर्क चाहिए इसके लिए और उसका पेमेंट भी आपको अच्छा मिलता है। तो हमारे इस कोर्स के अंदर हम ये 1 पेज वाला भी काम सीखेंगे, 5 पेज वाला स्टैटिक का भी काम सीखेंगे और डायनामिक वेबसाइट्स का भी काम सीखेंगे। उसके बाद बात आती है एक छोटा सा एग्जाम्पल बताने के लिए कि भारत में और बाहर में कितना फ़र्क है। तो देखिए कि अमेरिका के अंदर यही 5 पेज की स्टैटिक वेबसाइट की कॉस्टिंग इंडिया के अंदर 5 से 10 हज़ार रुपये है, वहाँ पर है $500 से लेकर $2,000 तक। तो $500 से लेकर $2,000 दोस्तों बहुत हो गया, $2,000 का मतलब हो गया लगभग 1.5 लाख के आसपास और $500 का मतलब कितना हो गया लगभग हो गए 35,000 रुपये। तो 35-40 हज़ार रुपये की वेबसाइट वहाँ पे मिलती है। इसीलिए देखो भारत में बाहर से काम बहुत आता है क्योंकि वहाँ पे जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी वो काम उठाती हैं और वहाँ से आउटसोर्स करती हैं इंडिया के अंदर और हमारे यहाँ पे काम किया। मैंने खुद ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी में जो वहाँ के मेरे एक फ्रेंड था वीरेन जी, उनके साथ मैंने काम किया था और मैं वहाँ पे जो होटल्स थी उनके लिए मैं डिज़ाइनिंग करता था, उनके जो मेन्यू कार्ड होते वो और उनके वेबसाइट्स को साथ में चेक करता था। तो वो मेरा काम था, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, करीबन 7-6 साल के आसपास पुरानी बात है, तब का काम बता रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं तो उन्होंने मुझे एज ए सैलरी बेस पे रखा हुआ था, तब मैं उनको 24,000 रुपीज़ चार्ज करता था महीने के और उनके अंदर मैं आपको करीबन 10 से 15 वेबसाइट्स के आसपास उनको बना के दिया करता था। लेकिन अब ये सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है, आजकल इंडिया के अंदर हर गली मोहल्ले में एक वेबसाइट मेकिंग है, लेकिन क्वालिटी आज भी बहुत कम है और जहाँ पे क्वालिटी मिलती है वहाँ पे थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। आगे बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स का। तो स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती है, वैसे एग्जांपल बता दीजिए, थोड़ा सा आपको इसमें देख लीजिए कि सिंपल नॉन एडिटेबल, मतलब हम उसको एडिट नहीं कर सकते, एक बार बना के छोड़ दिया पेज वो पेज उसमें वही रहेगा। ऑनलाइन ब्राउज़र होते हैं, जैसे कि हमने किसी गाड़ी का कोई हमें देखना होता है उसमें कौन कौन सी गाड़ी में चीज़ें हैं, फीचर्स कौन कौन से, वो एक ब्राउज़र जैसे होता है ना, वो ऑनलाइन ब्राउज़र हो गया, बस वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिंपल HTML और CSS में मिलकर बनी हुई होती है। HTML CSS मैं आपको करवा चुका हूँ तो आपको पता है, आइडिया लगता है कि स्टैटिक वेबसाइट कैसी होती है। अभी मैं ये जब पूरी हमारे पास में ये जो पावर पॉइंट स्लाइड्स है ये कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा कुछ स्टैटिक वेबसाइट्स के एग्जांपल और कुछ डायनामिक वेबसाइट्स के एग्जांपल। तो डायनामिक वेबसाइट्स में कुछ हो गया, सिंपल चीज़ ये होगी कि उसके अंदर जो स्टैटिक में है वो तो है, उसके अलावा अपडेटेबल कॉन्टेक्ट्स है, मतलब हम उसमें किसी भी डेटा को हम अपने अपडेट कर सकते हैं, डेटा को वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। और साइन इन यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस में उसमें कमाल का होता है, बहुत अच्छा होता है यूज़र इंटरफेस, मतलब कैसे यूजर्स को आपके सामने एक बॉक्स दे रही है, यहाँ पे आप रोल नंबर एंटर करो और यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करो और यहाँ पे आप सबमिट करो, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे यूज़र इंटरफेस ये डायनामिक वेबसाइट्स के अंदर तैयार होता है। दो प्रकार की वेबसाइट तो सिंपल हैं, स्टैटिक और डायनामिक। डायनामिक के एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल फेसबुक ले लो या ट्विटर ले लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है डायनामिक वेबसाइट्स के। आगे बात करते हैं CMS बिल्ट वेबसाइट्स। तो देखो इससे पहले की जो वेबसाइट्स थी उसमें आपको HTML सीखना पड़ता है, CSS सीखना पड़ता है, इसके अलावा PHP हो गया, उसके अलावा आपको SQL वगैरह सब चीज़ें सीखनी पड़ती है जो मैं आपको अपने कोर्स के अंदर इससे पहले बता चुका हूँ मैं, तो वो सीखना पड़ता है। लेकिन CMS बिल्ड वेबसाइट जो हम यहाँ सीख रहे हैं वो सारा इसमें हमें सीखना पड़ेगा CMS, और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम सीख रहे हैं वो क्या है, WordPress। तो WordPress क्या एक CMS है, CMS मतलब कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है आपका, कि आपके पास में क्या है, सिर्फ अपना कंटेंट्स है, मतलब आपके पास में जैसे टेक्स्ट है, आपके कुछ फोटोज़ हैं और आप इसके सॉफ्टवेयर में आके उनको एडजस्ट कर सकते हो और उससे एज ए वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें देखो लिखा भी हुआ है, द मेन गोल इज़ फॉर यूजर विद नो प्रायर प्रोग्रामिंग नॉलेज। आपको किसी भी प्रकार की प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल कंप्यूटर चलाना आता है, थोड़ा सा इंटरनेट चलाना आता है, तो आप ऐसी वेबसाइट खुद ही बना सकते हो। और वही हमारे कोर्स का मेन जो मोटिव यही है कि मैं इससे घर में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई घर की गृहलक्ष्मी जैसे महिला हो तो भी सीख सकती है, कोई ऑफिस के आदमी है वो भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, कोई स्टूडेंट हो 10th क्लास का वो भी सीख सकता है, सब जने इससे वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं। तो अगर आप ढंग से इसमें अपने साथ लास्ट तक चलेंगे तो आपको मैं डैम श्योर हूँ कि आपको वेबसाइट बनाना बहुत ईजी आ जाएगा और आप उसे आसानी से रन कर सकते हो और अपने
अगर थोड़ा सा सीरियस रहेंगे तो आप उससे अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की वेबसाइट, वो है ई कॉमर्स वेबसाइट। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट देखते हो, अमेजन देखते हो, ये सारी क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स है। इनके भी कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा मैं आपको कि वो कैसे काम करती है। तो इसमें बेसिकली होता था वो डायनेमिक वेबसाइट्स वाला वही है। इसके अलावा कुछ इसमें क्या होता है, दे इंटीग्रेटेड ए पेमेंट गेटवे विच ऑथोराइज पेमेंट्स एंड प्रोसेस ट्रांजेक्शंस। मतलब पेमेंट का सिस्टम उसमें होता है कि आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो देखो सीधी सी बात है, इस प्रकार की वेबसाइट्स के अंदर हमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी चाहिए। तो आप जो मान के चलो कि वर्डप्रेस के अंदर सिक्योरिटी बहुत ही एयरटाइट होती है, इसीलिए वूकॉमर्स नाम से एक प्लगइन से जैसे हम वर्डप्रेस में यूज करते हैं बताएंगे हम आगे, तो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए वर्डप्रेस एकदम परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। तो सब समझो कि जब इसमें सिक्योरिटी इतनी अच्छे लेवल की है तो ये बाकी वेबसाइट्स को तो आराम से हैंडल कर ही सकता है। तो बेसिकली वेबसाइट्स जो होती है मेरे हिसाब से चार प्रकार की वेबसाइट्स को आपको समझने लायक होती है जो आपके आसपास रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि CMS होता है और उनके कितने टाइप्स हैं। तो देखो CMS क्या है, ज़्यादा थ्योरी नहीं करूँगा, थोड़ा सी है, थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू समझ लो, बाकी तो एक्स्ट्रा थ्योरी समझनी हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। एक थोड़ा सा ओवरव्यू बताना चाह रहा हूँ जो कि ताकि आपको एक वो बेस तैयार हो जाए CMS के बारे में। CMS मीन्स कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रकार से कुछ कोई भी हो सकता है, बहुत से सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ कि एक ऑडिट क्या है ऑडियो ऑडिट सॉफ्टवेयर, तो जिसमें ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें कोई ऑडियो को हम ऑडिट कर सकते हैं तो वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, ऑडियो ऑडिट सॉफ्टवेयर। वैसे ही कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब हमारे पास खुद का कॉन्टेंट पड़ा है, हम उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं वो सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो देखिए बेसिकली जो CMS के जो सॉफ्टवेयर हैं वो ये हैं, CMS हब, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जो हम यूज कर रहे हैं ये टोटल 40% वेबसाइट जो है उसका 40% हिस्सा वर्डप्रेस में बना हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि वर्डप्रेस कितना पावरफुल और कितना लोकप्रिय है कि 40% वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है। यहाँ तक कि मेरी खुद की वेबसाइट भी वर्डप्रेस में बनी हुई है, technogurumit.com। दूसरी वेबसाइट में lubetypingpro.com सॉफ्टवेयर वाली है, टाइपिंग सॉफ्टवेयर वाली, दोनों ही वर्डप्रेस में बनी हुई है। उसके बाद में जूमला 3.5%, ड्रुपल 2.8%। अब आप इसको ये लेके मत बैठ जाना इसका तो परसेंटेज बढ़ गया कम हो गया, ये मैंने गूगल से निकाला है, लेकिन ये ऊपर नीचे होता रहता है अकॉर्डिंग टू वेबसाइट्स अप एंड डाउन। मैग्नेटो और उसके अंदर वेब फ्लो, गोस्ट, साइट को, ये जो कुछ है जो CMS है। तो हकीकत होंगे मैंने इसमें खाली जुमला में थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, ड्रुपल में थोड़ा बहुत और काम किया है, बाकी बेसिकली सारा वर्डप्रेस में काम किया है। इनके बारे में मैं कोई खास जानता नहीं, झूठ बोलता नहीं मैं बस, ठीक है मैंने पता है मेरे को CMS है। क्यों, रीजन कभी मुझे जरूरत पड़ी नहीं, मेरे को क्लाइंट का जो काम होता है वो वर्डप्रेस से मेरा आसानी से हो रहा है, तो मैं फालतू में इधर कभी गया नहीं। और मैंने जुमला भी देखा, अच्छा है, ये नहीं कहता बुरा है, जुमला ड्रुपल बुरे हैं लेकिन अच्छे हैं, लेकिन मुझे आज भी वर्डप्रेस बहुत अच्छा लगता है। उसका रीज़न क्या है वो मैं अभी आगे आगे बताऊंगा आपको। तो अब हम बात करते हैं कि CMS में किस प्रकार की चीज़ें हम बना सकते हैं, मतलब जैसे वर्डप्रेस हो गया तो वर्डप्रेस में हम किस प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट्स, कोई भी प्रकार की स्टैटिक वेबसाइट्स है वो हम इसमें बना सकते हैं। स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक वेबसाइट्स भी सारी इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग्स हो गए, ब्लॉग्स बना सकते हैं सारे के सारे। जैसे ब्लॉग्स में मतलब हम अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ कोई टेक्निकल चीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं, वो भी हम इसमें बना सकते हैं। और सबसे पहले जब ये वर्डप्रेस 2003 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी तब ये ब्लॉगिंग के लिए ही यूज़ होती थी सबसे ज़्यादा, लेकिन बाद में धीमे धीमे इसको इतना डेवलप कर दिया कि आजकल ये मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ होती है। ई कॉमर्स स्टोर सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ई कॉमर्स स्टोर्स जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं, वहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं। वो कोई फॉरम हो गया किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, सोशल नेटवर्क साइट्स होगी, ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, मेंबरशिप साइट्स होगी, किसी की पोर्टफोलियो तैयार करवानी है, ये सब चीज़ें हम आसानी से वर्डप्रेस के अंदर कर सकते हैं या किसी भी CMS के थ्रू कर सकते हैं। तो ये CMS का बताया हुआ है कि हम कौन कौन सी वेबसाइट्स या फिर चीज़ें CMS के थ्रू तैयार कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम वर्डप्रेस क्यों सीख रहे हैं। तो वर्डप्रेस हम सीखने का बेसिस सबसे मेन रीज़न है पॉपुलैरिटी। वर्डप्रेस सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, मैं बताया था आपको लगभग 40% जो वेबसाइट्स है वो वर्डप्रेस में बनी है, जैसे मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स के वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरी बात, ईजी टू सेटअप, अपडेट एंड यूज। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, बहुत ईजी रहेगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी व्यक्ति को आप इसका जो सेटअप समझाओगे तो उसको 5 से 10 मिनट में उसको उसका सेटअप समझ में आ जाएगा, इतना ईजी है। उसके साथ साथ इसको अपडेट करना भी बहुत ईजी है, एक सिंगल क्लिप से पूरा पूरा वर्डप्रेस आपका अपडेट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने बताई थी आपको कि ई कॉमर्स की वेबसाइट बनती है इसमें, तो वर्डप्रेस क्या रिलायबल है, रीज़न क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो इसके वर्डप्रेस के पीछे जो कोडिंग हुई हुई है वो किसमें हो रखी है, PHP में, SQL में
और जावास्क्रिप्ट में, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में पीएचपी, जावास्क्रिप्ट और एसक्यूएल बहुत ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज, कोडिंग स्ट्रक्चर वाली लैंग्वेज है, तो उनसे मिलकर वर्डप्रेस बना हुआ, तो इसकी सिक्योरिटी भी टॉप नॉच है। तो इसलिए वर्डप्रेस में रिलायबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, और कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट आती है हमारी वेबसाइट को जल्दी से कोई हैक कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, पहले ज़माने में तो कहते थे, लेकिन आजकल तो प्लगइन्स इतने शानदार आ गए हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को हैक करना बहुत टेढ़ा काम हो गया है। आगे बात करते हैं। वैसे देखो बहुत से इसके फायदे हैं, लेकिन मुझे जो फायदे दिखते हैं वो मैं आपके इसमें सबने डाले, मैंने आपके सामने, आप ही देखिए। कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि ये देखो ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर, इसलिए आपको इसका एक रुपया भी पे करना नहीं पड़ता, तो प्योरली कॉस्ट इफेक्टिव होगी। आपका नॉलेज है, आप इसे यूज करो और इसके अंदर अपने चीज कोई भी वेबसाइट बना के उसे अर्न कर सकते हो। अगली चीज़, लर्निंग अबाउट वर्डप्रेस इज सिंपल। वर्डप्रेस में आपको बहुत से कोर्सेज मिल जाएंगे ऑनलाइन, बहुत से टीचर मिल जाएंगे जो वर्डप्रेस सिखा रहे होते हैं, क्योंकि देखो पॉपुलरिटी ज़्यादा है तो लोग इस पर वीडियोज़ बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ले लीजिए, मैंने सोचा कि सीएमएस पे वीडियो बनाना चाहिए मेरे को, तो मैंने किससे बनाया, आपका वर्डप्रेस बनाया। उसके दो रीज़न, पहली बात वर्डप्रेस पॉपुलर है, दूसरी बात मुझे वर्डप्रेस अच्छी तरह आती है, और तीसरी बात अगर मैं जूमला या ड्रूपल बनाऊंगा तो मुझे उसकी ऑडियंस कम मिलेगी, लेकिन वर्डप्रेस की ऑडियंस हमेशा एक्स्ट्रा ज़्यादा मिलती है। इसलिए वर्डप्रेस के जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स हैं बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और वो लर्निंग है उसकी बहुत सिंपल हो जाती है। उसके बाद मल्टी यूजर कैपेबिलिटी। अगर आपकी एक कंपनी है या वेबसाइट आपकी ऐसी जिसमें मल्टीपल यूजर्स हैं, तो उसकी कैपेबिलिटी वर्डप्रेस आसानी से निकाल सकता है, कितने भी यूजर बना लो सबका वो रोल डिस्प्ले करा के उनके रोल के अकॉर्डिंग उसका काम करेगा। स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब आपने एक शॉप स्टार्ट की और आपकी छोटे से गांव में या फिर छोटे शहर में आपकी शॉप है, धीमे धीमे आपका नेटवर्क बढ़ता गया और आपकी जो शॉप है मल्टीपल सिटीज़ में चलती गई, मल्टीपल टाउन्स में चलती गई, तो आप उस कंडीशन में स्केलेबिलिटी बोलते हैं, मतलब उसको और एक्सटेंड कर रहे हो अपने बिजनेस को, तो उस समय में वर्डप्रेस आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा, आपको अपनी वेबसाइट को एक्सटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप भले चाहे उतना कितना भी एक्सटेंड उसे कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे वर्डप्रेस में। नेक्स्ट है एग्जिस्टिंग सपोर्ट कम्युनिटी। देखिए कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो वहाँ पे हमें दिक्कत तो आती है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे वो कोई भी धुरंधर हो, कभी ऐसा नहीं होता कि उसको कोई चीज़ सीखते में या कोडिंग करते समय कभी दिक्कत नहीं आती। उससे क्या चाहिए, एक कम्युनिटी चाहिए जहाँ पे सपोर्ट मिलता हो। तो वर्डप्रेस की जो कम्युनिटी है बहुत ही इंटेलिजेंट कम्युनिटी है, वहाँ पे लोग जैसे जैसे वर्डप्रेस को यूज़ करते रहते हैं अपनी क्वेरीज वहाँ डालते रहते हैं और दूसरे लोग उनको सपोर्ट करते रहते हैं या क्वेरीज को रिजोल्व करते रहते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा डेटाबेस मिल जाता है जहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम अगर सर्च करते हो तो उसका आंसर आपको फटाफट मिल जाएगा। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कम्युनिटी आपके सामने अवेलेबल रहती है एनी टाइम। उसके बाद में स्पीड एंड एफिशिएंसी। वर्डप्रेस के जो सर्वर्स होते हैं, पर्टिकुलर होस्टिंग सर्वर्स होते हैं, वो पर्टिकुलर इतने ज़्यादा स्पीड वाले होते हैं कि आपकी साइट बिना कोई देरी के बहुत फास्टली आपके ब्राउजर में ओपन होती है, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। कंट्रोल मल्टीपल साइट्स विद ए सिंगल एडमिन पैनल। एक आपको सिंगल एडमिन पैनल दिया जाता है जहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है, और वहाँ से आपको मल्टीपल साइट्स आप अपनी सर्च आपने जो मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में फ्री थीम्स। वर्डप्रेस में जो भी चीज़ बनती है वो थीम्स के थ्रू बनती है, जैसे मोबाइल में थीम्स होती है वैसी इसमें भी थीम्स होती है, और वो थीम्स ऑल इतनी सारी फ्री थीम्स है, वो सैकड़ों नहीं लाखों नहीं करोड़ों फ्री थीम्स इंटरनेट पे आपके अवेलेबल है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करो, डाउनलोड करने के बाद उसको अपने वर्डप्रेस में ले जाकर उसे कस्टमाइज कर सकते हो, तो फ्री थीम्स का सपोर्ट शानदार रहता है। उसके बाद में सीमलेसली इंटीग्रेट्स WooCommerce प्लगइन। WooCommerce प्लगइन एक ऑनलाइन जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हमें काम आता है, तो वहाँ पे WooCommerce शानदार काम करता है। जब से आया है तो रिवोल्यूशनरी, वो कहते हैं ना इसे, बहुत शानदार परिवर्तन आया वर्डप्रेस के अंदर, तो ये प्लगइन्स बहुत कमाल का है। हम जब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तब हम देखेंगे WooCommerce प्लगइन कैसे काम करता है। उसके बाद में क्विक डिसेबल एंड इनेबल ऑप्शन फॉर प्लगइन्स। देखो वर्डप्रेस में प्लगइन्स क्या होते हैं, कोई ना कोई छोटा सा काम करवाने के लिए उसमें एक प्लगइन बना होता है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो वर्डप्रेस में हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि हमारे ब्राउजर के अंदर को भी हमारे एड्स बहुत आते हैं, तो हम उस एड्स को ब्लॉक करने के लिए क्या लगाते हैं, एड्स ब्लॉकर नाम का एक एक्सटेंशन लगा देते हैं, फिर हम चाहे जब उसको ऑन कर सकते हैं चाहे उसे ऑफ कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस में हम इंस्टॉल करते हैं, चाहे जब इन्हें ऑन कर देते हैं चाहे जब इन्हें ऑफ कर देते हैं। उसके बाद में बिल्ट इन सर्च फीचर्स। वर्डप्रेस के अंदर एक बिल्ट इन फीचर होता है सर्च का, जिसके अंदर अगर हम कुछ सर्च करते हैं तो यूजर या आप खुद उस पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो भी लिखोगे वो पूरी वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऑटोमेटिकली सर्च करके आपके सामने ला देगा। ये फीचर्स बहुत काम का होता है, बेसिकली हम जब खुद भी बनाते हैं तब हम इस फीचर्स को बहुत यूज करते हैं। उसके बाद में फ्री अपग्रेड्स। सारे प्लगइन्स और वर्डप्रेस जो है वो खुद ऑटोमेटिकली फ्री अपग्रेड्स देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंगल टिक करके आपको सबमिट करना है और आपका जो
जो भी प्लगइन्स या जो भी आपके सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस का, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। 8.8 सिक्योरिटी बताया मैंने आपको, सिक्योरिटी लेवल शानदार है, टॉप नॉच है। उसके बाद में इजी इंटीग्रेटर्स ऑफ SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है आप देखते हैं, HTTPS लगा होता है आगे, वो S जो लिखा होता है वो SSL सर्टिफिकेट कहलाता है। तो वो क्या करता है, किसी भी साइट की सिक्योरिटी बता है कि साइट कितनी सिक्योर है। तो उस SSL सर्टिफिकेट को आप WordPress की वेबसाइट में लगाना बहुत ईजी है। हम लगाएंगे, हम एक हमारा एक डोमेन लेंगे, जो डोमेन को हम जब उसमें साइट तैयार करेंगे तो उसमें SSL सर्टिफिकेट लगाना भी आपको मैं सिखाऊंगा। उसके बाद में बैकअप इज मच चीज़ें, बैकअप लेना बहुत ईजी है, किसी भी साइट का बैकअप लेना मिनटों में ले सकते हैं बैकअप, बच्चों का खेल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। SEO फ्रेंडली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आपने वेबसाइट तो बना ली, अब वो वेबसाइट गूगल के अंदर आप जब टाइप करते हो नीचे इतनी सारी वेबसाइट्स आती है, वहाँ पर वो कहाँ स्टैंड करती है, तो आपकी वेबसाइट वहाँ पर आनी चाहिए ताकि लोगों को दिखनी चाहिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एटलीस्ट कहीं पर तो दिखे। ऐसा नहीं है कि आपने वेबसाइट बना ली और आपकी वेबसाइट के बारे में जब कोई चीज़ सर्च कर रहा है गूगल पर तो आपकी वेबसाइट 50 पेज पीछे है, तो कोई उसके पास कभी कोई आएगा नहीं, तो ट्रैफिक नहीं आएगा। तो SEO का जो के जो मेन चीज़ें होते हैं, टैग्स हो गया या फिर जो परमालिंक्स हो गए, ये सब चीज़ SEO काम बहुत अच्छे से वर्डप्रेस में होता है। आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा इससे बिल्कुल दिमाग में ऐसे मत लेना कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें, ये सब आपको फीचर्स बता रहा हूँ, जब हम इनके प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये बच्चों के खेल लगेंगे। फिर मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वर्डप्रेस की जितनी वेबसाइट्स से मोबाइल ऑप्टिमाइज होती है, चाहे उनको कंप्यूटर पे आप चला लो, चाहे टैबलेट पे चला लो, और या चाहे सबसे छोटे से मोबाइल पे चला लो, सब आपको वो ऑप्टिमाइज मिलेगी। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही शानदार रहता है वर्डप्रेस की वेबसाइट का। उसके अलावा कंपेटिबल अक्रॉस ऑल ब्राउजर, जितने भी ब्राउजर्स हैं, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, सब पे ये जो कंपेटिबल रहती है, ऐसा नहीं है कहीं पे कुछ दिखता नहीं है, कहीं पे कुछ दिखता नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अक्सर होता है जब हम खुद हमारी वेबसाइट HTML CSS में करते हैं, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी वेबसाइट किस ब्राउजर के लिए होता है, क्योंकि कई वेबसाइट ऐसी होती है जो देखो आई इंटरनेट एक्सप्लोर है, वहाँ पे वो वेबसाइट बहुत खराब दिखती है, लेकिन वही वेबसाइट आपके क्रोम के ऊपर बहुत अच्छी दिखती है। तो ये जो ऑप्टिमाइजेशन लेवल हो गया, ये ब्राउजर का बहुत जरूरी होता है। तो वर्डप्रेस में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना कोई खास जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस खुद ध्यान रखता है। उसके बाद में इजी एड मैनेजमेंट, हम हमारी वेबसाइट्स पे क्या करते हैं, ऐड लगाते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट पे हमें कुछ अर्निंग भी होती है। आप देखते हैं साइड में मेरी खुद की वेबसाइट्स पे भी आपको दिखेंगे कुछ एड्स मिलते हैं गूगल की तरफ से, तो उन एड्स का मैनेजमेंट करना बहुत ईजी है। वो कोड्स हमें अपने वेबसाइट के अंदर एंटर करने पड़ते हैं, जिससे ट्रैकिंग होती है कि हमारी वेबसाइट्स पे कितने ऐड आए हैं और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वो सब हमें पता लगता रहता है, उसके बारे में हम पूरा नॉलेज में रहते हैं। तो वो एड मैनेजमेंट करना वर्डप्रेस में बहुत ईजी है। उसके बाद में लास्ट एंड लीस्ट सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, भी हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो सोशल मीडिया के साथ इंटीग्रेट रहती है, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, आपका दूसरी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है उनके साथ हम पर्टिकुलर इंटीग्रेट रहते हैं। कोई भी चीज़ एक वो कहते हैं ना, एक क्लिक पे हम वहाँ पे उसको सोशल मीडिया पे हम उसको शेयर कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और आप देखोगे तो मेरी खुद की वेबसाइट से मैंने ऊपर सोशल मीडिया हैंडल के मैंने लोगो लगा रखे हैं, वहाँ पे हमारी जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स उस पर क्लिक करने पे आप वहाँ पे जंप कर सकते हो। तो वो सोशल मीडिया इंटीग्रेशन बहुत अच्छा रहता है, वो भी काम करेंगे। तो बेसिकली ये जो चीज़ें जो मेन मुझे लगे वो मैंने आपके सामने निकाले। तो हमने इसमें देखा कि हमारा बेसिकली आज का जो टॉपिक रहा है कि भाई नॉर्मली मैंने एक आइडिया बताया कि वेबसाइट्स की क्या रेट रहती है, ये वेबसाइट्स की जो रेट होती है वो अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से बताइए। जब हम इंडियन मार्केट के अलावा, अब जब मैं बताऊंगा आपको बाहर से काम आपको कैसे मिलेगा, तो आपको ये अमाउंट इन रुपीज में नहीं मिलेगा, डॉलर्स में मिलेगा। और नॉर्मल जैसे जो 3000 मैंने आपको बताया, ये लगभग आपको $100 से लगभग स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो $100 मतलब करीब लगभग 7500 रुपये के आसपास, 7400 के आसपास आपको पर वेबसाइट का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने सीखा वेबसाइट्स के टाइप कितने हो गए, उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या हो गया, क्या क्या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकता है, बेसिकली कौन कौन से CMS अवेलेबल है मार्केट में जो पॉपुलर हैं, और हम वर्डप्रेस को यहाँ पर क्यों यूज कर रहे हैं, उसके कुछ बेसिक फीचर्स। तो ये मेरी तरफ से था वर्डप्रेस के स्टार्टिंग के लिए कुछ अवेयरनेस वर्डप्रेस के बारे में। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स की जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और उसके बारे में बताऊँगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो हमारे लिए स्टैटिक्स हैं, और कौन कौन सी वेबसाइट्स जो डायनामिक हैं, किस वेबसाइट से मैंने काम किए, कौन सी टॉप वेबसाइट्स हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने बताया आपको कि जो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट्स हैं उसके बारे में, जो मैं 3000 रुपये की वेबसाइट बताई है, पहले मैं उनके बारे में बात करता हूँ। देखिए होटल पैलेस व्यू, ये वेबसाइट्स है, इस वेबसाइट से मैंने काम किया हुआ है। ये देखो बहुत ही लो बजट की वेबसाइट्स होती हैं, ये मतलब 5000 रुपये, 6000 रुपये, बस 4000 रुपये, 5000 रुपये, इतना ही इनका बजट होता है। और ये देखो है क्या इसमें, होम रूम्स की फ़ोटो, फैसिलिटीज़, रेस्टोरेंट रिजर्वेशन, अट्रैक्शन, सफारीज, ये वगैरह है। तो ये मैंने और मेरे जो टीम में साथ में जो हमारे मेम्बर हैं उन दोनों मिलकर इस पर काम किया था। तो एक वेबसाइट ये हो गई।
इसके अलावा एक वेबसाइट ये होगी, ये देखिए इस टाइप की वेबसाइट्स, ये सब वर्डप्रेस वाली वेबसाइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और बताता हूँ मैं आपको, ये पी वेब सोल जो हमारे साथ में जो हैं फ्रेंड हमारे, उन्हीं की वेबसाइट्स है, इस पर हमने काम किया हुआ है। उनका ये स्टडी सेंटर है बीकानेर के अंदर, वहाँ पर ये काम किया हुआ पूरा, ठीक है। और डिज़ाइनिंग सारी उनकी की हुई है, थोड़ा बहुत हमने इसमें बीच में पीछे का जो बैकग्राउंड काम हमने किया हुआ है। और उसके बाद में बात आती है, देखो होटल सिद्धार्थ जैसलमेर का ये वेबसाइट देखिए, धीमे धीमे मतलब वेबसाइट का आप ये देखिए, धीमे जैसे जैसे आप पे करोगे, अच्छा वेबसाइट्स का डिज़ाइनिंग, वेबसाइट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वेबसाइट्स की जो लुकिंग होगी, धीमे धीमे अच्छी होती जाएगी। तो ये आप डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना पे करते हो और कितना आपके जो सामने वाले डेवलपर्स है उस पर कितना अपना इफेक्ट लगाता है। और देखिए एक वेबसाइट हो रही है, तो ये जो सारी वेबसाइट्स हैं, ये वेबसाइट्स वो हैं जो एक प्योरली बजट लेवल की वेबसाइट्स है, 5 से 10 हज़ार के बीच में, 15 हज़ार के बीच में इनकी रेट रहती है। और इसमें जैसे जैसे पेजेस बढ़ते रहते हैं आपके, धीमे धीमे आपके जो अमाउंट भी है वो बढ़ता आता है। लेकिन 5 पेज की वेबसाइट जो होगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था 5-6 पेज की वेबसाइट, इसका कॉस्टिंग लगभग 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार के आसपास आ जाती है। उसके बाद में कुछ और अच्छी वेबसाइट दिखाता हूँ मैं, और ढंग की वेबसाइट। जैसे आप ये वेबसाइट देखिए, ये राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, ये मैंने नहीं बनाई है, लेकिन बता रहा हूँ आपको कि वेबसाइट देखिए कितना अच्छा से बनाई हुई वेबसाइट्स है। और ये वर्डप्रेस का मुझे नहीं पता, वर्डप्रेस से बनी हुई नहीं पता, लेकिन मैंने बताया वेबसाइट्स में आप लुकिंग कितनी प्यारी है इस वेबसाइट्स की। लेकिन ये जो वेबसाइट्स है, एक और दिखाता हूँ मैं आपको, सूर्यगढ़ प्लेस, ये वेबसाइट देखिए आप, इस वेबसाइट में देखिए कि कितना प्यारा लुक दिया हुआ है। हालांकि ये स्टैटिक वेबसाइट है, देखिए आप इसमें कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे जाओगे एकोमोडेशन पे क्लिक करोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्स्ट और इमेजेस मिलेगी, लेकिन बहुत ही प्यार से आप इसमें बताया गया। तो स्टैटिक वेबसाइट्स ये भी हैं और भी कोई हैं, लेकिन आप इनके बीच में डिफरेंस आप देख सकते हो। डिफरेंस क्या है कि किस प्रकार से आप अमाउंट पे करते हो और किस प्रकार से डेवलपर्स आपके अमाउंट को देखकर आपके लिए चीज़ें मैनेज करता है, डिपेंड उस पर होता है। तो आपको जितना दाम उतना काम, वो वाली बात होती है। इसके अलावा दिखाता हूँ मैं एक वेबसाइट और सरोवर, ये देखिए ये वेबसाइट्स, ठीक है। इसके अलावा एक वेबसाइट हल्दीराम के लीजिए, ये वेबसाइट है जो आपको बताएगा डायनेमिक वेबसाइट्स के बारे में। जैसे अभी तक जो एग्जांपल्स थे वो सारे किसके थे, स्टैटिक वेबसाइट्स के, लेकिन ये है हमारे डायनेमिक वेबसाइट। आप देखिए यहाँ पे किसी भी चीज़ को आपको परचेज करना हो तो आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे ऐड टू कार्ट करोगे, ऐड टू कार्ट होने के बाद में यहाँ से उसका कार्ट में जाएगा, कार्ट में जाने के बाद में यहाँ से आप उसको क्या करोगे, उसका प्रोसीड टू चेकआउट करोगे और अपना पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के लिए आपका पेमेंट गेट भी आएगा और ये देखो यहाँ से पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो वेबसाइट्स है, इस प्रकार की वेबसाइट्स भी हम आराम से वर्डप्रेस से बनाएंगे और उसका भी एग्जाम्पल दूंगा किस प्रकार से ई कॉमर्स की वेबसाइट बनती है। तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, और जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट मैंने दिखाई थी वो उस प्रकार से क्या होगी, डायनेमिक वेबसाइट, जहाँ पे हम अपने लॉगिन पासवर्ड होते हैं हमारे पास में, हालांकि इसमें भी है, ये देखिए लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पर अपने क्रिएट अकाउंट कर सकते हो, ताकि आपके जो डिटेल है वो इसके पास में रहेगा साइट के अंदर। जब भी आपके यूजर आईडी पासवर्ड मैच करेंगे तो आपका सारा अकाउंट डिटेल आपके सामने निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अलावा मेरी खुद की वेबसाइट देख सकते हो technogromit.com, ये मेरे सोशल हैंडल थे वो मैंने लगा रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इसको ब्लॉगिंग भी साथ में डाल रखी है और साथ साथ में मैंने इसके बारे में स्टैटिक वेबसाइट भी बना रखी है। दोनों चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाए, हालांकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं इन चीज़ों को अपडेट करूँ, शुरू में मैंने किया था, लेकिन बेसिकली ये जो वेबसाइट्स है मैंने सिर्फ एक ही रीज़न से बना रखी है, बताया था आपको, नोट्स के लिए, क्योंकि मुझे अक्सर मेल आता है मेरे पास कि मुझे नोट्स चाहिए, तो उसके लिए मैंने वेबसाइट बना रखी है। नोट्स के कॉलम के अंदर जाओगे तो आपको लगभग सारे नोट्स इसमें मैंने डाल रखे हैं, यहाँ से इतने सारे नोट्स कोई भी आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली मैंने इसीलिए रखा। दूसरा, मैं जितने भी यूट्यूब्स के वीडियो हैं वो सारे के लिंक मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो यूट्यूब्स के सारे जो वीडियो वो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये देखो सारी चीज़ मिल जाएगी इसमें, सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो इसके लिए मैंने ये वेबसाइट रखी हुई है। और आप वेबसाइट पर गौर करोगे तो आप मेरी वेबसाइट पर कुछ साइड में देखोगे तो आपको एड्स मिलेंगे, और ये जो एड्स होते हैं वो मिला ना एड्स मैनेजमेंट वाला, तो आप जब वेबसाइट बनाते हो खुद की तो इन वेबसाइट्स पे जो ऐड आते हैं उससे भी आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाए। जैसे देख लिए ये एक ऐड हो गया, ये एक ऐड हो गया, और वर्क प्लेस ऑनली एक ऐड हो गया, ये गूगल की तरफ से ऐड मिलते हैं जिनका आपको पे किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा और एक और दिखाता हूँ मैं आपको वेबसाइट्स, ये तो ये वाली newtypingpro.com, ये भी मैंने बनाई हुई कंप्लीट। इस वेबसाइट्स के अंदर जो अपना सॉफ्टवेयर है टाइपिंग का,
जो मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ, ऑनलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर, इसमें हिंदी और इंग्लिश आप सीख सकते हो। तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में सारा यहाँ पे बताया हुआ है, इसमें ऑल्ट कोर्स डले हुए हैं जिसके अंदर, और साथ में कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बताया हुआ है, फ़ीचर्स क्या हैं वो बताए हुए हैं, कौन कौन से इसके स्पेशल फ़ीचर्स हैं जो सॉफ्टवेयर मिलेंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इसको विद। ये भी वेबसाइट अपने पूरी वर्डप्रेस पे ही बनाई हुई, नीचे आप देख सकते हैं, पावर्ड बाय वर्डप्रेस। ठीक है, ये तो हो गया इन चीज़ों के बारे में कि हम वर्डप्रेस की स्टैटिक और वेबसाइट। अब मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा बड़ी चीज़ें, बड़े लोग अभी आपको लग रहा होगा वर्डप्रेस क्या है यार, छोटी छोटी वेबसाइट बनाई है सर ने ये, तो देखो मेरा तो काम ही नहीं है, आप सबको सर पता भी नहीं होगा कि मैं तो दूसरे प्रोफेशन में हूँ, तो ये तो मेरा चलो ठीक है तब का काम करता था जब मैं इन चीज़ों को सीखता था, आजकल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन वेबसाइट्स को बनाऊँ। लेकिन अब मैं बता दूँगा आपको कि वो लोग जो आज भी वर्डप्रेस को यूज करते हैं, तो मैं कुछ एक वेबसाइट्स आपको बताता हूँ। देखिए ये जो कुछ वेबसाइट्स जो कॉम्प्लेक्स वेबसाइट मिलेगी वो भी आपको कंप्लीट वर्डप्रेस में बनी हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले एक तो वाउटोज, आप देखो खूबसूरती देखो वेबसाइट्स की जो आपको वर्डप्रेस के अंदर मिलेगी। कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए ये सारी वेबसाइट जो भी आप देख रहे हैं सारी वर्डप्रेस में बनी हुई है, और आगे जाए कुछ ऐसी वेबसाइट मिलेगी जो आपका आश्चर्य होगा, कह रहे यार ये भी वर्डप्रेस में बनी हुई है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ, डिजाइनिंग दिखा रहा हूँ किस प्रकार से डिजाइनिंग वगैरह, और नॉर्मल वेबसाइट्स की तरह आप जैसे PHP बना सकते हो वैसे ही वेबसाइट्स ये रन करती है, कोई इशू नहीं आता। ठीक है, आगे देखिए, ये तो छोड़ दीजिए वेबसाइट्स, एक वेबसाइट ऐसी है ये देखिए, बराक ओबामा जी जो USA के भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे उनकी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वेबसाइट है, ये भी वर्डप्रेस में बनी हुई है कम्प्लीटली। एंग्री वर्ड्स इतना अच्छा गेम है, आपको सबने खेला हुआ, हमने सबने खेला हुआ, एंग्री वर्ड्स की वेबसाइट है कम्प्लीटली वर्डप्रेस में बनी हुई है। ठीक है, ये देखिए thenextweb.com, मैं भी इसको बहुत देखता हूँ, इसमें क्या है कि आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो ये जो वेबसाइट्स है ये कम्प्लीटली वर्डप्रेस में बनी हुई, इसे जो आर्टिकल इस टाइप की वेबसाइट हम बनाएंगे खुद, ब्लॉग टाइप की वेबसाइट में हम ब्लॉगिंग करेंगे। अब ब्लॉग में तो क्या होता है, देखो आप जैसे आपने एक प्रकार से देखे थे ब्लॉग है, जैसे ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये बताया है इसके बारे में कुछ लिखा है, ये ब्लॉग टाइप से बनाया हुआ है, तो इस प्रकार की वेबसाइट्स भी आसानी से वर्डप्रेस में बनती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऊपर ये इसमें ऐड लगा हुआ है, और इसी ऐड वजह से ये वेबसाइट्स में जो है एक अच्छा अमाउंट कमा रहे हैं। उसके बाद में ये देखिए, अब ये आपको जान के आश्चर्य होगा कि pmindia.gov.in ने ये प्रधानमंत्री सर की जो वेबसाइट्स है ये भी वर्डप्रेस में बनी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं, sonymusic.com, आश्चर्य होगा सुन के आपको कि सोनी म्यूजिक इतनी बड़ी कंपनी है और ये भी शायद पूरी वर्डप्रेस में बनी हुई है, क्योंकि देखो वर्डप्रेस बताया मैंने आपको 40% की जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हम छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वर्डप्रेस बहुत ही प्यारी चीज़ है और आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज करते हैं। ये देखिए मैगजीन की वेबसाइट है वोग की, ये भी आपको वर्डप्रेस में ही मिलेगी। इसके अलावा एक वेबसाइट और देखिए, ग्लोबल न्यूज, ब्लॉग टाइप की वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा एक और वेबसाइट देखिए इंडियन एक्सप्रेस की, ठीक है, ये देखिए बुक माई शो, ये सारी वेबसाइट्स आपको किसमें मिल रही है, वर्डप्रेस में। एपीपी लाइव, ठीक है, तो आपको बताने का मेन रीज़न ये था कि आपको थोड़ा सा विश्वास हो जाए कि हाँ भी मार्केट में इतनी जो वेबसाइट्स है वो वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो इसका मतलब काम मिलने में तो कोई कमी है ही नहीं। जब इतने बड़े बड़े ब्रांड वर्डप्रेस पे बिलीव करते हैं तो हमारे पास काम की कभी कोई कमी नहीं रहती है। अब ये है कि कोई CMS के अंदर वर्डप्रेस में करेगा, कोई जुमला में करेगा, ड्रुपल में करेगा, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसको मतलब नहीं होता कि आप वर्डप्रेस में कर रहे हैं, जुमला में कर रहे हैं, वो बेसिकली अपनी साइट चाहता है और अपनी फीचर्स चाहता है, साइट में क्या क्या फीचर्स चाहिए। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास में ड्रुपल आता है, आपको जुमला आता है, वर्डप्रेस आता है, किसके अंदर आप उनकी वेबसाइट को तैयार करते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, अगर आप ये पूरी सीरीज देखते हो तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट अच्छी खासी बनानी आ जाएगी। और ये तो कुछ नहीं है जो वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, आपको ये मैंने पूरी वेबसाइट सिर्फ 3 घंटे में तैयार की हुई है,
ये जो मेरी वेबसाइट ने सिर्फ 3 घंटे मेरा मन आया कि मैं वेबसाइट में भी बना लूँ एक अपनी, तो मैंने इसका मुझे डोमेन नेम मिला, डोमेन नेम लेके मैंने कई दिन तो उसको यूज़ ही नहीं किया, उसके जस्ट बाद मैंने कहा मैं चलो आज बना लेते हैं। उस दिन संडे था मुझे याद है मैंने 3 घंटे में सारी वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस के अंदर, इसीलिए ऐसी बनी हुई है। लेकिन आप चाहो तो वर्डप्रेस में अच्छी अच्छी थीम्स है उनको यूज कर सकते हो, पेड थीम्स है उनको भी यूज कर सकते हो, वो बहुत अच्छा आपके सामने इफेक्ट डालती हैं। तो ये चीज़ें आपको पूरी सीखने को मिलेगी, तो आप पूरा वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें। और मैं देखो वीडियो धीमे बनाता हूँ लेकिन तसल्ली से बनाता हूँ ताकि आपके सामने कोई दिक्कत ना आए, तो आप वीडियोस को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, अगर आप चैनल पे भी नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पर हम बात करेंगे अगली चीज़ के बारे में, वो होगा हमारा अगला टॉपिक वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और कुछ वर्डप्रेस की बेसिक चीज़ें। हालांकि वर्डप्रेस की बेसिक को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे लेकिन पहले हम करेंगे वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन, कंप्लीट इंस्टॉलेशन, क्योंकि इसमें कई ट्रिक चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो मिलते रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित, बाय।